ओके सो इन दिस वीडियो मैं बताऊंगी स्क्लेरा, उसकी एनाटॉमी और उससे एसोसिएटेड डिजीजेस. ठीक है, तो फिर सबसे पहले स्क्लेरा क्या है? हमें पता है स्क्लेरा जो है वो आउटर मोस्ट कोट है हमारी आईबॉल का, जो कि एक्सटर्नल है और सबसे ज्यादा फाइबरस और थिक कोट है हमारी आईबॉल का. ठीक है, अब जो हमारा आईबॉल का पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स पार्ट जो है हमारे आईबॉल का वो स्क्लेरा से बना होता है. एंटीरियर वन सिक्स पार्ट जो है दैट इज कवर्ड बाय कॉर्निया. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम स्क्लेरा की बात करते हैं. तो स्क्लेरा जो है उसके ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेनेंस कैप्सूल, और स्क्लेरा के जस्ट नीचे हमारी दूसरी लेयर होती है कोरॉइड. ठीक है, इंटीरियरली जो है हमारी आईबॉल वो कवर्ड होती है बल्बर कंजक्टिवा से. ठीक है, जहां पर स्क्लेरा खत्म होता है वहां पर बल्बर कंजक्टिवा प्रेजेंट होता है, और जहां पर ये खत्म होता है वहां पर लिम्बस प्रेजेंट होता है. लिम्बस पे एक फोरो हमें देखने को मिलता है जहां पर हमें कैनाल ऑफ श्लेम मिलती है. ठीक है, हमारे स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सुपरा कोरॉइडल स्पेस. ठीक है, और जो हमारी स्क्लेरा है वो मॉडिफाइड है इनटू अ स्लीव लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लैमिना क्रिब्रोसा कहते हैं. ठीक है, फिर हमारी जो स्क्लेरा है उसका थिकेस्ट पार्ट जो है वो पोस्टीरियर स्क्लेरा पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा जो कि थिकेस्ट है, विच इज 1 mm थिक. ठीक है, और थिनेस्ट पार्ट जो है वो 0.3 mm थिक है, जहां पर इंसर्शन होता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का. ठीक है, तो थिनेस्ट और थिकेस्ट पार्ट इस तरीके से है. अब हमारे हम आते हैं एपरेचर्स पे. तो एपरेचर्स जो है हमारे स्क्लेरा पे वो इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर तीन तरह के एपरेचर्स में डिवाइडेड है. तो सबसे पहले हम इंटीरियर साइड की बात करते हैं, हमारा इंटीरियर ऑफ द आईबॉल है. तो इस यहाँ पर हमें जो एपरेचर मिलता है वो है इंटीरियर सिलेरी वेन्स का. ये एंटीरियर सिलेरी वेन्स के लिए हमें एपरेचर मिलेगा, और सेकेंडली हमें मिलेगा लॉन्ग सिलेरी नर्व के लिए. हमारा जो लॉन्ग सिलेरी नर्व है वो हमारी मेन नर्व है विच सप्लाइज द आईबॉल. फिर हमारे मिडल के अंदर हमें चार एपरेचर्स मिलेंगे जो कि हमारी वर्टेक्स वेन्स है. जो हमारी वर्टेक्स वेन है वो 4 in नंबर है, और वो सप्लाई करती हैं, वो ब्लड सप्लाई है, वीनस सप्लाई है. ठीक है, फिर पोस्टीरियरली हमें लॉन्ग सिलेरी और शॉर्ट सिलेरी वेसल्स की ओपनिंग मिलेगी, और साथ में हमें ये लॉन्ग सिलेरी नर्व भी मिलेगी. ठीक है, और मेन पीछे जो कि हमारी सबसे बड़ी ओपनिंग है जो है ऑप्टिक नर्व की ओपनिंग. ठीक है, तो ये सारे हमारे एपरेचर्स हैं स्क्लेरा पे. फिर हम आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी पे. तो जो हमारी माइक्रोस्कोपी है वो हम स्क्लेरा की जो लेयर्स है उसको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे आउटर लेयर है वो है एपिस्क्लेरा. ठीक है, जो एपिस्क्लेरा है वो डेंस वैस्कुलराइज्ड है, और तीन तरीके के सेल्स मिलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स. ठीक है, फिर जो एपिस्क्लेरल टिश्यू है वो कवर करता है किसको? स्क्लेरा प्रॉपर को. जो हमारा स्क्लेरा प्रॉपर है वो इन कॉन्ट्रास्ट ए वैस्कुलर है और कोलोजन का बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कोलोजन है और यहाँ पे वैस्कुलराइजेशन है. ठीक है, फिर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है हमारी वो है लैमिना फिस्का. ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो है हमारा सुपरा कोरॉइडल पार्ट, ठीक है, और एक है हमारा सुपरा सिलेरी पार्ट. ठीक है, और ये वाली जो लेयर है हमारी द इनर मोस्ट लेयर वो ब्राउनिश कलर की है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड सेल्स. ठीक है, ये थी हमारी एनाटॉमी ऑफ स्क्लेरा. अब हम आते हैं सबसे पहली डिजीज जो कि है हमारी एपिस्क्लेराइटिस. जो एपिस्क्लेराइटिस है वो क्या है? हमारी जो एपिस्क्लेरा है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, उसका इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, बिनाइन और रिकरेंट इन्फ्लेमेशन जब होता है एपिस्क्लेरा का उसको हम एपिस्क्लेराइटिस कहते हैं. तो एपिस्क्लेरा के साथ साथ टेनेंस कैप्सूल जो होता है उसका इन दोनों का इन्फ्लेमेशन होता है. ये जनरली किसमें? यंग एडल्ट्स में देखने को मिलती है और फीमेल्स में देखने को मिलती है. फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलती है, ट्वाइस एज मोर कॉमन है. ठीक है, फिर हम आते हैं इटियोलॉजी पे, ये होती क्यों है? ज्यादातर इडियोपैथिक, वी डोंट नो द रीजन, सिस्टमिक डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, जैसे कि गाउट, सोरासिस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, और फिर हमारे हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है. हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी किस चीज से? ट्यूबरकुलर या फिर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन से. ठीक है, फिर इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हर्पीस और सिफिलिस, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे लाइम डिजीज और टीबी.
तो ये हमारी एटियोलॉजी है, इडियोपैथिक सिस्टमिक डिजीजेस, हाइपर सेंसिटिविटी और इन्फेक्शंस। फिर पैथोलॉजी, जो हमारे एपिस्करल टिश्यू होगा ना, वहां पर लोकलाइज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, लोकलाइज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट इन एपिस्क्लेरल टिश्यू। और एपिस्क्लेरा को जो कवर करता है टेनेंस कैप्सूल, उसमें हमें इडिमा और कंजेशन देखने को मिलेगा। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो सबसे कॉमन रेडनेस होगी, फॉरन बॉडी, ग्रिटी सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन हमें मिलेगी, ठीक है, फोटोफोबिया और लैक्रिमेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हम साइंस की बात करते हैं, तो जो एपिस्क्लेराइटिस है वो दो टाइप की हो सकती है, तो सिंपल हो सकती है, नोड्यूलर हो सकती है। सिंपल में क्या होगा, एक सेक्टर इन्वॉल्व होगा, मोस्टली एक सेक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मोस्टली, वरना कभी कभी डिफ्यूज भी हो सकती है। इसके अंदर जो हमें एपिस्क्लेरल वेसल्स होती हैं हमारी, वो एनग्रोज दिखेंगी और रेडियल डायरेक्शन में बीनीथ द कंजक्टिवा हमें मूव करती हुई दिखेंगी, ठीक है। फिर नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस जो होती है उसके अंदर हमें नोड्यूल्स मिलेंगे, पिंक और या फिर पर्पल कलर के नोड्यूल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 to 3 mm अवे फ्रॉम द लिम्बस, ठीक है। अब ये जो डिजीज है ये 10 days to 3 weeks में अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है, बट इस डिजीज के अंदर रिकरेंसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बार बार रिकरेंट होती है ये। फिर हम आते हैं कि ये फीटलिंग टाइप की भी हो सकती है, तो अगर फीटलिंग टाइप की है तो हम इसको एपिस्क्लेराइटिस प्रियोर्डिका कहते हैं, जब अगर ये बार 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 हो, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, तो इसका जो ट्रीटमेंट है इट कंप्राइज ऑफ, सबसे पहले कोल्ड कंप्रेस, ठीक है, आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स में हम क्या देंगे, 0.5 mg कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। फिर हम एनसेड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन दोनों में से हम दोनों दे सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द केस। तो एनसेड्स के अंदर हम ट्रॉपिकल एनसेड्स पहले प्रेफर करेंगे, जैसे कीटोरोलैक 0.3%, अगर वो काम नहीं करेगा या फिर सिचुएशन वर्स्ट होगी तो हम बाकी सिस्टमिक स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि इंडोमेथियासिन। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं, जैसे फ्लूरोमेथेनॉल, जो कि हम 2 to 3 hourly हम इंसर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।